दोस्तों बॉलीवुड की सुपर फ्रेंचाइज में से एक रही रेस के तीनों पार्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया था। इस फ्रेंचाइजी के थ्रिल और सस्पेंस भरे ट्विस्ट ने दर्शकों के होश उड़ा दिए थे। अब फैंस को रेस 4 का इंतजार है और अब इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है जो प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने दिया है। जी हां, उन्होंने 2022 में यह तो कन्फर्म कर दिया था कि रेस 4 बन रही है और इसकी स्क्रिप्ट पर काम चालू है। अब उन्होंने आगे का अपडेट दिया है। हाल ही में बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में रमेश जी ने रेस 4 के बारे में पूछा जाने पर बताया कि स्क्रिप्ट पर काम पूरा हो चुका है और यह फाइनल है। अब सिर्फ फिल्म के कास्ट और क्रू को फाइनल किया जाना बाकी है। बता दें कि रेस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म साल 2008 में आई थी, जिसमें सैफ अली खान, बिपाशा बासु, कैटरीना कैफ, अक्षय खन्ना, अनिल कपूर और समीरा रेड्डी जैसे सितारे थे। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बताने वाली साइट साखलिन के मुताबिक करीब 46 करोड़ के बजट में बनी रेस ने तब 60 करोड़ 64 लाख का कलेक्शन किया था। वही रेस 2013 में आई थी, 94 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने तब 101 करोड़ 45 लाख रुपए कमाए थे। फिल्म में सैफ अली खान, अनिल कपूर, जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण, बिपाशा बासु, जैकलीन फर्नांडिस, अमीषा पटेल और आदित्य पंचोली थे। इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म यानी रेस 3 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सलमान खान, बॉबी देओल, अनिल कपूर और जैकलीन समेत कई और स्टार्स थे। इन तीनों ही फिल्मों को अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था। अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि रेस 4 में कौन हीरो हीरोइन होंगे और यह कब रिलीज होगी। साथ ही यह देखना भी दिलचस्प होगा कि रेस 4 को अब्बास मस्तानी डायरेक्ट करेंगे या फिर कोई और। वैसे दोस्तों, आप कितने सैटरडे सलमान खान को फिर से रेस 4 में एक्शन करते देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी सलमान खान के डायहार्ड फैन हैं तो ऐसे ही सलमान खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।